हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और जिसकी डेट है 16 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए, उसके लिए आपको वेट ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। वर्कशीट में आज का हमारा टॉपिक है भोजन के घटक। तो इसमें हम भोजन के घटक पढ़ेंगे रेशे और पानी। तो रेशे हम देखते हैं क्या होते हैं। पोषक तत्वों के अलावा रेशे या फाइबर किसी भी स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो ये कह रहे हैं जो पोषक तत्व होते हैं उनके अलावा भी रेशे और फाइबर एक ही बात है, वो भी क्या होते हैं, किसी भी स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा, एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। रेशे का प्रमुख कार्य दैनिक आहार में वजन बढ़ाना है। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको वजन बढ़ाने का काम कौन करता है, रेशे करता है। हम रेशे को पचा नहीं सकते हैं, इसलिए यह मल में वजन बढ़ाता है। ये कह रहे हैं कि जो भी हम रेशे खाते हैं वो क्या करता है, हमारे उसको हम पचा नहीं सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, जो भी हमारे मल पदार्थ होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं, उसका वजन बढ़ाने में ये मदद करता है। यह पाचन प्रक्रिया और आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। जो हमारी पाचन क्रिया होती है और जो हमारी आते होती हैं उसके स्वस्थ कामकाज में ये मदद करता है। रेशे मुख्य रूप से हमारे आहार में पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हमें रेशे जो है कहाँ से मिलते हैं, जो पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं उनसे हमें रेशे मिलते हैं। फल एक सामान्य स्रोत है और फल से भी हमें क्या मिलता है, रेशे मिलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सेब, अंगूर, पपीता, ये सभी क्या फल है और फल से हमें क्या मिलता है, रेशे। साबुत अन्न के दाने से भी रेशे के सामान्य स्रोत हैं। जो अन्न होता है साबुत मतलब जिसको पीसा ना गया हो, उससे भी हमें क्या मिलता है, रेशे मिलता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरा भोजन का घटक पानी। ठीक है, पानी आप जानते हैं क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, वही हम पढ़ेंगे। हम एक भी दिन पानी के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते। हमें हर दिन कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, और गर्म और शुष्क मौसम में और भी अधिक। तो हमें कम से कम हर रोज 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर आप बच्चे नहीं पीते हो तो आपको पीना चाहिए, और जैसे कि गर्मी आती है या सूखा मौसम होता है तब हमें इससे भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पानी की कुछ मात्रा फलों और सब्जियों से भी प्राप्त की जाती है। तो कुछ ऐसे फल और सब्जियां हैं जिनसे हमें पानी मिलता है। हमें पानी की आवश्यकता है क्योंकि, तो पानी की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों क्यों है वो इसने बताया है। फर्स्ट, हमारे पास यह एक अच्छा विलायक है और यह शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में मदद करता है। जो पानी वो एक अच्छा विलायक है, विलायक का मतलब क्या है कि जो पानी है वो हर एक चीज़ को अपने अंदर घोल लेता है, मतलब मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर घोल लेता है, इसलिए उसको क्या होता है, विलायक, बेस्ट विलायक है ये। इसी कारण क्या होता है, जो भी शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को यह शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाने में मदद करता है। तो जो भोजन पच जाता है उस पचे हुए भोजन को शरीर के सभी हिस्सों में लेके जाने में मदद करता है। तो सेकंड है हमारे पास, गुर्दे और आंत्र के समुचित कार्य के लिए पानी आवश्यक है। जो हमारे गुर्दे और किडनी और आंतों के लिए काम करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। यह पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में भी हमारी मदद करता है। जो हमारे शरीर में पसीना आता है और मूत्र आता है वो उससे क्या होता है, जो हमारे शरीर के गंदे पदार्थ है वो भी निकल जाते हैं। तो ये किसकी हेल्प से होता है, पानी की हेल्प से। डी पार्ट है हमारे पास, यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है। ठीक है, जो पानी पीने से हमें क्या मिलता है, हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये आपके पास यहाँ पे रेशे का डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आपको पानी का डायग्राम दिया गया है। तो आगे हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, आइए अभ्यास करें। तो फर्स्ट है हमारे पास मक्खन, वसा, फल, डैश। तो मक्खन हमें क्या देता है, वसा प्रदान करता है, और फल हमें क्या प्रदान करते हैं, रेशे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख देना रेशे। फलों से हमें क्या मिलता है, रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास पौधों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ रेशे हैं, क्या यह कथन सही है या गलत। ठीक है, क्योंकि पौधों से जो हमें मिलता है, जैसे यहाँ पे लिखा होता ना, पौधे मतलब पादप उत्पादों से हमें क्या मिलता है, रेशे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये कथन सही है, हमें
पौधों से हमें क्या मिलते हैं, रेशे मिलते हैं। रेशे हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्यों? तो इसमें देखते हैं क्यों इस इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारे आहार का। रेशे का मुख्य कार्य, रेशे हमारे, रेशे या फाइबर हम किसी भी स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। रेशे का मुख्य कार्य दैनिक आहार में वजन बढ़ाना है। यहाँ तक आप इसको सेकंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका, कि रेशे क्या हमारे स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है और ये हमारे दैनिक आहार में वजन बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऊर्जा न देने पर भी पानी पीना क्यों जरूरी है? कह रहा है कि अगर पानी पीने से हमें कुछ एनर्जी नहीं मिलती लेकिन फिर भी हमें इसे क्यों पीना चाहिए? तो ये चार पॉइंट हमें दिए गए थे, इन चारों में से कोई भी एक पॉइंट आप अपने लिए लिख सकते हैं। तो आप ये फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, पानी एक अच्छा डैश है। पानी एक अच्छा क्या था इसमें यहाँ पे, पानी एक अच्छा विलायक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, विलायक है। विलायक क्या, तो जो सभी चीजों को अपने अंदर घोल लेता है। पानी हमारे शरीर को डैश बनाए रखता है, यहाँ पे हम लास्ट लाइन थी, पानी हमारे शरीर को ठंडा बना के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पानी हमारे शरीर से गंदगी जैसे डैश और डैश को निकालने में मदद करता है। तो हमारे शरीर की कौन कौन सी गंदगी को बाहर निकालता है, पसीने और मूत्र। तो आप इसमें लिखोगे पसीने और मूत्र, पसीने और मूत्र। नेक्स्ट है हमारे पास, साबुत अनाज का, साबुत अनाज डैश का सामान्य स्रोत है। तो साबुत अनाज किसका स्रोत होता है, यह हमारा किसका था, रेशे का स्रोत। तो यहाँ पे आप लोगों को रेशे। ठीक है, तो ये आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको पसंद आई है, समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। और मेरी इस यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।